हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। फिस्कल पॉलिसी आखिर होती क्या है और इसमें कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है, एक छोटा सा डिस्कशन आज हम इस पूरी वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, आप सबने सुना होगा। गवर्नमेंट कहती है कि हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, हम जो है अपना पब्लिक में जो भी हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि नए नए रोड्स बनाना, नई नई स्कीम्स लाना जिसमें जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सब करेंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये सब जो काम करती है, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी एक उनके फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे मार्केट में आपको जो है एज अ गवर्नमेंट जब आप बैठे होते हो तो आपको मार्केट में इकोनॉमी को स्टेबल करना या उसको इम्प्रूव करना जो है आपका मोटिव होता है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, अच्छी रहे और उससे इम्प्रूव होती रहे और नेगेटिव में ना जाए। और इसके लिए वो कई बार गवर्नमेंट्स क्या करती है, गवर्नमेंट को जब लगता है कि भाई हाँ हमारी जो है इकोनॉमी में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वहाँ पर जो आपकी इकोनॉमी है उसमें पैसे का फ्लो करती है। जैसे सपोज़ कीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, सिचुएशन ख़राब चल रही है, जैसे कोरोना टाइम में था, सिचुएशंस ख़राब चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए इतना खर्चा करेंगे, हम जो है नई स्कीम्स लाएंगे, न्यू हॉस्पिटल्स बनाएंगे, न्यू रोड्स बनाएंगे, जिस पे हम इतने करोड़ों का खर्चा करेंगे। आखिर अब इससे इकॉनमी कैसे स्टेबल होगी? देखिए, जब इकॉनमी में ऐसे बड़े डिसीजन गवर्नमेंट लेती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लेट सपोज उसने कहा कि हम जो है अपनी हाईवेज बनाने के लिए आ रहे हैं और इतने पैसे हम डालेंगे, अब जब वो हाईवेज बनाने के लिए टेंडर्स दिए जाएंगे, वहाँ पे जो है कई लोगों को जॉब मिलेगी, अब यहाँ पे जो आपके रोड बनाने में आपकी लेबर इंक्लूड होगी उसको जॉब मिलेगी, उसके पास उसके हाथ में पैसा आएगा, और जब उसके पास पैसा आएगा तो वो खर्चा भी करेगा कि हाँ जब आप अर्न करते हो तो आप खर्चे भी करते हो, तो जैसे ही आपकी पूरी उस लेबर के पास, ठेकेदारों के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे इकॉनमी में पैसे का इनफ्लो हो जाएगा। तो इसी तरीके से कई आपके ऐसे टूल्स का यूज़ करती है जिससे इकॉनमी को थोड़ा सा स्टेबल रखा जा सके। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का अगर सीधा सीधा मतलब कहा जाए तो गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग को आप कह सकते हो कि ये फिस्कल पॉलिसीज़ के पार्ट्स हैं। थ्रू दिस द गवर्नमेंट कैन इफेक्टिवली इंकरेज कंजम्पशन। अब इन सब की सहायता से, यानी टैक्स रेट को बढ़ा करके, घटा करके, या पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके, घटा करके, पब्लिक बोरोइंग्स को बढ़ा करके या घटा करके, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंकरेज कर सकती है अपनी मार्केट में जो भी लोग अवेलेबल हैं उनको, कि वो और कंजम्पशन करें, इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग करें, उनकी वो हैबिट बने। और यहाँ पे जो है उसका उल्टा भी कर सकती है कि बहुत पैसा आ गया है तुम्हारे पास, रुको अभी टैक्स बढ़ा देते हैं ताकि तुम्हारे जेब से पैसा निकल के मेरे पास आ जाए। तो इससे क्या होगा, इससे जो है यहाँ पे लोगों को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि वो थोड़ा सा खर्चा अब कम करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ करके गवर्नमेंट यहाँ पे या तो आपको ज़्यादा कंजम्पशन के लिए इंकरेज कर सकती है, या फिर जो है आपको अगर आप इन कंजम्पशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये फिस्कल पॉलिसी आपकी जो है इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए, पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर आपकी फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिवेन्यू, पब्लिक या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जैसे पब्लिक का कंस्ट्रक्शन करना, पब्लिक वेलफेयर का करना, ठीक है, काम करवाना, एक्सपेंडिचर करना, सिक्योरिटी पे ग्रांट्स देना, वहीं पे दूसरी साइड क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू, जैसे टैक्सेस बढ़ाना आपके पब्लिक डेब्ट को लेकर के या फिजिकल डेफिशिएंट को लेकर के, तो इन सब चीज़ें जो है आपकी फिस्कल पॉलिसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब देखो, लेट सपोज आपका जो है इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, ठीक है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर आ चुकी है। इन्फ्लेशन कब होता है, जब आपके पास जो है मार्केट में कंज्यूमर्स के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई उस लिहाज से बढ़ती नहीं है, आपके पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो आप डिमांड भी ज़्यादा करोगे और मार्केट में सप्लाई उतनी ही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप जो है ज़्यादा डिमांड कर रहे हो और ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, सामान है नहीं, तो आप कहोगे कि भाई मुझसे 400 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, 400
₹1000 एक्स्ट्रा ले ले, पर ये सामान तो मुझे दे दे। और यही आपकी तरह कई लोग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सामने सामान बेचने वाला व्यक्ति है उसको लगेगा कि यार ये तो जो है सामान ख़रीदने के लिए बहुत अच्छे और तरीके से रेडी है, तो क्यों ना मैं इसको एक्स्ट्रा जो है चार्ज करके ही बेचूँ ताकि मैं भी कुछ प्रॉफिट कमा लूँ। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे करते करते हर चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया है और वो ख़रीदने के लिए रेडी है, और यहाँ पे जो है उस प्रोडक्ट की सप्लाई उतनी ही है बट आपकी डिमांड बढ़ गई है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन की तरफ हम चले जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। और उस वजह से क्या है, ये रीज़न क्या है कि भैया क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई है, सो इस सिचुएशन में जो है आपकी डिमांड को घटाने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को लगा इनके पास बड़ा पैसा आ गया है, ले लो टैक्स लगा दो, सब टैक्स लगा के ले लो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है टैक्सेस इम्पोज करेगी, टैक्स लगा देगी, एंड यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स या फिर पर्सनल टैक्स लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल्स के पास अब थोड़ा सा कम पैसा बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी क्योंकि टैक्स में दे दी जाएगी। और यहाँ पे जो है अब इस वजह से क्या होगा, वो लोग थोड़ा सा सेविंग करना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो टैक्स सेविंग स्कीम्स में वो पैसा डालेंगे जिससे टैक्स बचाया जा सके, और टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा डालेंगे तो वो पैसा क्या होगा, वो पैसा जाएगा फिर दोबारा से इकॉनमी में, और उसका जो है जनरेशन शुरू होगा, उससे इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनीज जो है बढ़ेंगी, या जहाँ भी सेविंग की गई है वो एंटरप्राइजेस में जो है उस पैसे का यूज़ करके उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो सिमिलरली बाय ऑल्टरिंग इट्स एक्सपेंडिचर, और उसी तरीके से जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को ऑल्टर करके वेरियस पब्लिक प्रोजेक्ट्स में या गवर्नमेंट में जो है वो क्या कर सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन को प्रिवेल कर सकती है। जैसे अपने अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है अभी मार्केट में, और आपको पता है कि यार डिफ्लेशन आ गई है, इन लोग कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत गंदी चीज़ है, बट इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा ख़राब होता है डिफ्लेशन, मंदी ज़्यादा ख़राब होती है महंगाई से, क्योंकि मंदी में बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मंदी की सिचुएशन बन रही है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगी, नए नए प्रोजेक्ट्स लाएगी, पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाएगी, जिससे जो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बने और बाहर आए और लोग भी पैसा कमा पाए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो इंकर्ड होते हैं किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे, जैसे हॉस्पिटल्स पे, न्यू इंडस्ट्रीज यूनिट्स पे, या फिर ह्यूज साइज एक्सेट्रा पे, जो कि आपका एक इन्फ्लेशन जो है कंट्री में उसको एक कह सकते हो उस सिचुएशन में आप ये काम करते हो। सो जब इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगी। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रिड्यूस कर सकती है उसके लेवल ऑफ इन एक्सपेंडिचर्स, अगर उसको जो है लोगों की इनकम कम करनी है, अगेन अगर इन्फ्लेशन है, ये चीज़ आपकी एप्लीकेबल होगी, अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो ये इनफैक्ट इसी के साथ का है, ये लाइन आप किसके बाद की ही है। तो सपोज़ अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। और जहाँ पे जो है आपका पीपल के पास क्या हो जाएगा, फिर लेस इनकम बचेगी, एंड वो क्या करेंगे, डिमांड उनकी नीचे चली जाएगी, और इसके साथ ही जो है प्राइस भी उसके प्रोडक्ट के नीचे चले जाएंगे। नेक्स्ट इज़ एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के टाइम यानी मंदी के दौरान गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगी और अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगी, जिससे पब्लिक प्रोजेक्ट्स बढ़े और वहाँ पे जो है ज़्यादा इनकम लोग जनरेट कर पाए इकॉनमी में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको पब्लिक को कैसे जो है उनकी डिमांड कम की जाती है इसके अकॉर्डिंग, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ये आपको समझ आ गया होगा, फिस्कल पॉलिसीज़ का एक छोटा सा टॉपिक। So let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.